बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट इन डिटेल द केमिकल कंपोजिशन एंड सम ऑफ द प्रोमिनेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड ग्लास। सबसे पहले आपके पास है प्लास्टिक, तो द प्लास्टिक वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक प्लास्टिकोस मीनिंग टू मोल्ड आर फॉर्म। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। यानी हमारे पास जो प्लास्टिक है वो ग्रीक वर्ड है, और हमारे पास ग्रीक वर्ड क्या है, प्लास्टिकोस है, जिसका मतलब है मोल्ड आर फॉर्म। और हमारे जो डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द अब प्लास्टिक प्रेजेंट है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक ये है कि इट इज़ वर्सटाइल, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, इनएक्सपेंसिव मटेरियल, क्लियर आर ओपेक। यानी हमारे पास ये जो वेट होते हैं, लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी हमारे पास क्या होते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके रेजिस्टेंस शो करता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग और इनएक्सपेंसिव हमारे पास होता है। यानी जब हमारे पास ड्यूरेबल होता है, यानी जब हम टेम्परेचर वगैरह हाई हो जाता है तो ये क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो ये एक क्या होते हैं, हम मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये मोल्ड होता है। दूसरा हमारे पास ये क्लियर भी होते हैं और ओपेक भी होते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक है। केमिकल कंपोजिशन हमारे पास क्या है, तो प्लास्टिक रेफर टू अ सिंथेटिक हाई मॉलिक्यूलर वेट चेन, पॉली मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर, और जो मोस्ट प्लास्टिक आर बेस्ड ऑन कार्बन आर ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी जो मोस्टली हमारे पास जो ये क्या बने होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल और कार्बन से बने होते हैं। इट इज़ हीटेड टू मॉडरेट द टेम्परेचर। Due to organic nature, most plastic cannot withstand high temperature and begin to decompose at temperature around 392 Fahrenheit or 200 centigrade. तो हमारे पास क्या होते हैं, ये high temperature पे क्या करते हैं, उस पर को क्या करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, और एक तो ये ऑर्गेनिक होते हैं तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टिक, तो हमारे पास ये पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। यानी हमारे पास जो फूड होते हैं, फूड और ड्रिंकिंग आइटम्स होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, प्लास्टिक में पैक होते हैं। चेयर और टेबल हमारे पास क्या होते हैं, प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। इसके अलावा यूज़ इन द हैंडल ऑफ यूटेंसाइल, हमारे पास जो बर्तन होते हैं, तो हमारे पास जो फोक वगैरह या क्या जो हमारे पास क्या होते हैं, उनके हैंडल क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कैन नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर ईजिली मोल्ड। यानी ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करते और ईजिली मोल्ड हो जाते हैं, तो हीटिंग पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट डिकेबल, कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यानी हमारे पास ये डिकेबल नहीं होता तो ये पोल्यूशन काज करता है। यानी जब ये डिके नहीं करता तो हमारे पास कहते हैं ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हमारे पास वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन काज करता है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास सीरीज डिसीज काज करते हैं, हेल्थ इशू होती है, और ये हेल्थ इशू ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं वो एट हाई रिस्क होते हैं। पॉलीथीन हमारे पास होता है, इट इज़ फॉर्म व्हेन पॉलीमर ऑफ इथेन कम्बाइन। यानी हमारे पास जो इथेन होते हैं वो हमारे पास जो उसके मोनोमर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इथेन बनता है। इट इज़ प्रोड्यूस इन टू फॉर्म्स, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन हमारे पास पॉलीथीन इज़ फॉर्म बाय हाई प्रेशर पॉलीमराइजेशन, एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो हमारे पास बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज़ मेड एट लोअर प्रेशर बाय यूजिंग कैटलिस्ट।
यानी कैटलिस्ट हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एलिमेंट वगैरह होते हैं जो कि रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। दूसरा हमारे पास होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन हमारे पास टफ होता है, वाइट इन कलर होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। वैक्सी थर्मो हमारे पास प्लास्टिक होते हैं जो कि कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। और यूजेस ऑफ पॉलीथीन क्या है, तो इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेजिंग बोतल टॉयज मिल्क कंटेनर एंड कॉमन प्लास्टिक बैग। तो हमारे पास जो कॉमन प्लास्टिक बैग वगैरह होते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीथीन के बने होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी हमारे पास क्या होते हैं, इसमें से पार्शली जो लाइट होती है वो पास होती है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट की तरह लाइट पास नहीं होती। वैक्सी थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हीट की वजह से क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वैसे ये हमारे पास क्या होते हैं, टफ होते हैं। ग्लास इज़ एन एमोर्फिस सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो कि हमारे पास इसमें एमोर्फिस का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल जिन हमारे पास ग्लास जिन पार्टिकल से बना होता है वो रेगुलर अरेंज नहीं होते हैं, वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन मीन्स पार्टिकल आर नॉट रेगुलरली अरेंज इन ग्लास। नेचुरली ऑकर इन रॉक्स हाई इन सिलिकेट्स मेल्ट एट हाई टेम्परेचर एंड कूल बिफोर दे कैन फॉर्म क्रिस्टलाइन। सिंथेटिक ग्लास या मैन मेड ग्लास हमारे पास होता है तो वो किससे बनता है, वो होता है मिक्सचर ऑफ सिलिका जो कि हमारे पास सिलिका फाउंड होते हैं, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सैंड होती है, सोडा जो यूज़ होता है टू लोअर द फ्यूजन पॉइंट ऑफ ग्लास, लाइम एंड माइनर एडिटिव टू एड कलर। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, इससे हम सिंथेटिक ग्लास बना सकते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ब्रिटल होते हैं, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी इसमें से हीट पास नहीं होती। ग्लास इज हीटेड टू 200 ग्लासेस इज हीटेड टू 1800 फारेनहाइट या 982 सेंटीग्रेड एंड हीट कैन रिटर्न द ग्लास इंटू फ्यूज लिक्विड। जब ये फ्यूज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस लिक्विड कैन बी मोल्ड इंटू मोल्ड आर ब्लोन इंटू वेरियस शेप एंड वेन कूल। जब हमारे पास ये फ्यूज लिक्विड बन जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाता है तो वो शेप अटेन कर लेते हैं। यूजेस क्या है, तो इट इज़ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस एंड विल नॉट इंटरेक्ट विद मटेरियल स्टोर इनसाइड। इट इज़ यूज इन साइंटिफिक लेबॉरेटरीज। तो ये नॉन कंडक्टिंग होता है, इस नेचर की वजह से ये क्या करता है, जो मटेरियल होते हैं, जिस मटेरियल हमारे पास जो ग्लास में हम स्टोर करते हैं, यानी हमारे पास क्या होते हैं ग्लास, जैसे जैम हमारे पास क्या होते हैं ग्लास में स्टोर होता है, या हमारे पास क्या होते हैं मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स होते हैं वो ग्लास में स्टोर होते हैं, तो ये इतना रिएक्टिव नहीं होता, जो फूड इसके अंदर स्टोर होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस की वजह से और नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितनी भी साइंटिफिक लेबॉरेटरीज में हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया है, या फ्लास्क होते हैं, वो क्या होते हैं ग्लास से बने हुए होते हैं। कंपेयर हाइड्रोजन विद हीलियम, विच एलिमेंट इज़ बेटर टू यूज इन बलून्स। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो लाइट इन वेट होता है, हीलियम हमारे पास क्या होता है लाइटर देन एयर होता है, यानी हमारे पास ये भी लाइटर होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स हमारे पास हाइड्रोजन है, और हीलियम हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन मिक्स विद एयर होता है, यानी ये एयर के साथ रिएक्शन करता है, जबकि हीलियम हमारे पास नॉट वेरी रिएक्टिव एंड नॉट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट। ना तो ये एयर के साथ रिएक्शन करता है, ना ही ये हमारे पास क्या करते हैं बाकी कम जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है।
एक्सप्लोसिव मटेरियल आर इजीली फॉर्म, ये हमारे पास क्या करते हैं, एयर और बाकी कम जो मटेरियल होता है इसके साथ रिएक्शन करता है तो एक्सप्लोसिव मटेरियल इससे बनते हैं। इनर्ट गैस हमारे पास है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, ना ही दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसलिए हम इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। और जब ये रिएक्शन नहीं करता तो ये नॉन एक्सप्लोसिव है, यानी ये एक्सप्लोसिव मटेरियल में भी यूज़ नहीं होता। हाईली फ्लेमेबल, यानी हमारे पास क्या होती है, इससे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, हाईली फ्लेमेबल होता है, जबकि हीलियम नॉन रिएक्टिव होता है, इनर्ट गैस है, इस वजह से ये नॉन फ्लेमेबल होता है। और हमारे पास जो हीलियम होता है वो फ्लो करता है अपवर्ड आउट ऑफ द कंटेनर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हमारे पास ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के क्या करता है, अगेंस्ट फ्लो करता है अपवर्ड। तो इन प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन वर्सेस हीलियम इन बलून्स। तो हाइड्रोजन इज़ हाईली फ्लेमेबल, सो स्लाइटेस्ट स्पार्क कैन कॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, यानी एक्सप्लोजिव ऑफ फ्लेमेबल नेचर की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्सप्लोजन काज कर सकते हैं, इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, ये बलून्स में यूज़ नहीं होता। हीलियम इज़ यूज इन बलून बिकॉज इट इज़ इनर्ट गैस, यानी ये रिएक्शन नहीं करता, लेस डेंस, लाइटर देन एयर, एयर से लाइटर है, तो इन प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है, हमारे पास बलून्स में हीलियम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमारे पास इनर्ट गैस है, एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, नॉन फ्लेमेबल है और हमारे पास लेस एक्सप्लोजिव है, इस वजह से ये क्या होता है, बलून में इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एंड कंपेयर इट विद एल्यूमिनियम, जस्टिफाई विच एलिमेंट इज़ बेटर सूटेड टू बी यूज्ड इन वायरिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर, कॉपर इज मेलेबल, दैट इज इट कैन बी बेंड एंड शेप विदाउट क्रैकिंग व्हेन आइदर हॉट आर कोल्ड। It can be rolled into sheet as thin as 1/500 of an inch. It is ductile. It can be drawn out into thin wire. Chemical properties of copper. Copper is resistant to corrosion. That is, it will not rust. यानी ये हमारे पास corrosion इसको नहीं रखती, तो ये इट इज़ मॉडरेटली एक्टिव मेटल, इट इज डिजॉल्व इन अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर, यानी हमारे पास वो एयर जहाँ पे नमी हो, इट कंबाइन विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम इज शाइनी सिल्वर, सिल्वरी वाइट कलर मेटल, लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग, इट सर्फेस इज कवर विद थिन एयर ऑफ ऑक्साइड दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एयर, यानी इसकी जो सर्फेस होती है जो चलती है उससे लेयर ऑफ ऑक्साइड बनती है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, जो मेटल होता है वो एयर के अटैक के साथ क्या होता है, बच जाता है। बर्न इन ऑक्सीजन विद द वाइट फ्लेम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या होता है, बर्न होता है, वाइट फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। कॉपर वर्सेस एल्यूमिनियम इन वायरिंग, तो कॉपर इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वायर एंड केबल। When compared to aluminium, copper has significance 1.6 times ampacity advantage, यानी current carrying capacity. It is easier to install and is resistant to corrosion. यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, corrosion में resistance show करती है। So the life cycle of copper, जो life cycle cost of copper होती है, as well as the cost of installation, maintenance, repair and replacement is less, while aluminium is sometimes less expensive, but it is more difficult to install it.
हमारे पास एक्स में कॉस्ट इसका क्या होते हैं, इतना महंगा नहीं होता, लेकिन जो इसके इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉलेशन जो होती है वो क्या होती है, ये वो डिफ़िकल्ट होती है। तो हमारे पास क्या होती है, इस वजह से देयरफॉर द फुल लाइफ कॉस्ट ऑफ कॉपर केबल इज़ लोअर देन एल्यूमिनियम केबल, यानी इसके इंस्टॉलेशन में हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये हमारे पास वायरिंग में क्या होती है, कॉपर इस्तेमाल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट डिफरेंट मटीरियल विच कैन बी यूज इन थर्मोमीटर बेस्ड ऑन देयर नेचर, जस्टिफाई विच इज़ द मोस्ट सूटेड मटीरियल फॉर थर्मोमीटर। हमारे पास क्या होते हैं, अल्कोहल एंड वाटर इन थर्मामीटर। तो वाटर कैन नॉट बी यूज इन अ थर्मामीटर बिकॉज वाटर हैज़ जीरो सेल्सियस या जीरो सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट विच विल मेक द यूज़ ऑफ अ थर्मामीटर इम्पॉसिबल व्हेन फ्रीजिंग आउटसाइड, यानी जीरो फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से जब हमारे पास क्या होते हैं, इसको थर्मामीटर में इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट यानी तक पहुंच जाए या उससे बिलो हो जाता है, तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए थर्मामीटर में इस्तेमाल नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द थर्मामीटर मर्करी इज यूज बट अल्कोहल कैन बी यूज हैज वेल बिकॉज ऑफ लो फ्रीजिंग पॉइंट, सो द लिक्विड थर्मामीटर स्टे लिक्विड एंड डोज नॉट स्टार्ट टू हार्डन। यानी हमारे पास समटाइम अल्कोहल भी इस्तेमाल होता है क्योंकि उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो लो फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, ये फ्रीज नहीं होता और लिक्विड ही रहता है, जबकि वाटर हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो थर्मामीटर में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है, मरकरी यूज़ होता है। बर्फ थर्मामीटर, तो इट इज़ कॉमन ग्लास थर्मामीटर, इट रिलाय ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लिक्विड चेंज इट्स वॉल्यूम रिलेटिव टू इट्स टेम्परेचर। यानी हमारे पास क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ये किस प्रिंसिपल पर रिलाय करता है कि लिक्विड का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो लिक्विड टेक लेस स्पेस व्हेन कूल एंड मोर व्हेन वार्म। ऑल बल्ब थर्मोमीटर यूजेस लार्ज बल्ब एंड अ नैरो ट्यूब टू एकोमोडेट द चेंज इन टेम्परेचर। द मेन रीजन दैट वाटर डज नॉट यूज इन यूज इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन दैट आर सीन इन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच वेरी विद प्रेशर। वाटर इज ऑल्सो यूज हैज स्टैंडर्ड बाय विच द थर्मोमीटर इज कैलिब्रेटेड बाय। मेन रीज़न हमारे पास कि वाटर थर्मोमीटर में इस्तेमाल नहीं होता, तो वो इसकी जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। तो हमारे पास जब प्रेशर चेंज होता है, तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, उससे बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है। यानी हमारे पास क्या होते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है, तो प्रेशर की वजह से हमारे पास इनके वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो चेंज होते हैं, तो वो कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी होता है विद प्रेशर, इसलिए वो थर्मामीटर में इस्तेमाल नहीं होता। अल्कोहल लो फ्रीजिंग पॉइंट मेक इट्स परफेक्ट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर, बट इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स दैट हाई टेम्परेचर आर हार्ड टू प्रेशर टू मेजर। यानी हमारे पास क्या होता है, लो टेम्परेचर तो इसको परफेक्ट होती है के टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को भी मेजर करें, बट लो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मीन्स दैट हाई टेम्परेचर आर हार्ड टू मेजर। यानी लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से कि हाई टेम्परेचर क्या करता है, हाई टेम्परेचर को हम मेजर नहीं करेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। इट एक्सपेंड वेरी नाइसली विद इन द कैपिलरी ट्यूब इन विच इट इज़ हील। यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं जिस कैपिलरी ट्यूब में अल्कोहल को रखते हैं, इस वजह से क्या होता है, इसको इस्तेमाल नहीं करते। सो मर्करी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मर्करी लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट मेक इट आइडियल फॉर मेजरिंग मोस्ट टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ टेम्परेचर को हम मेजर करने के लिए
क्या करते हैं, मरकरी इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट यानी हमारे पास क्या होते हैं हाइट, और हाइट बॉइलिंग पॉइंट यानी हाई टेम्परेचर पे भी ये हमारे पास क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है।